दोस्तों, जब हम क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे काम करते हैं तो कई बार हमें दिखाई देता है कि दिस साइट कांट बी रीचेड, ऐसा दिखाई देता है, या फिर कोई साइट ओपन नहीं होती है। और यह प्रॉब्लम मोस्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन होने में अक्सर दिखाई देता है। तो घबराए नहीं, इसके लिए खाली आपको अपने नेटवर्किंग सेटिंग में जाके डीएनएस सेटअप करना है, और डीएनएस सेटअप के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डेल डॉग ऑमलेट। तो दोस्तों, ऑनलाइन टिप्स और ट्रिक्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी पे अपने नेटवर्क एंड सेटिंग सेंटर पे जाना है। उसके लिए आपको ये वाईफाई वाले या अगर इथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करना है। देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेटवर्क एंड सेटिंग सेंटर, उस पर आपको क्लिक करना है। नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दूसरा पेज ओपन हो गया है। उसके बाद आपको इंटरनेट दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इंटरनेट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट दिखा रहा है। वर्जन 4 में सेटअप और न्यू कनेक्शन और इंटरनेट करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको 84 times टाइप करना है 8.8.8, और नीचे वाले बॉक्स में आपको 2 बार 8.8 और 2 बार 4.4 टाइप करना है। यहाँ पे आपको फिल करना है 8.8.8 और 8। वैसे नीचे वाले बॉक्स में 8.8.4.4। उसके बाद आपको नीचे दिए गए चेक्स बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे दिए हुए ओके दिखा रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये जो बॉक्स है आपको इसमें टिक करना है। टिक करने बाद आपको नीचे दिए गए ओके पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपका जो डीएनएस सेटअप है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको सब बैक करना है। बैक करने के बाद आपको अपनी जो साइट प्रॉब्लम इशू आ रहा था उसको आपको ओपन करना है और देखना है कि आपका जो साइट है वो चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारा साइट यहाँ पे चलने लगा है, जो भी इशू था यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। अगर आपको कोई ऑनलाइन टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड आपको कोई इश्यू है या समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।